वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मीगा मिस्टर एस वाई कुरैशी ऑथर है द बुक नेम द पॉपुलेशन मिथ फरगुना फोक डांस परफॉर्म होता है बिहार में आज के सवाल है इन विच स्टेट इज द सवाई मानसिंग स्टेडियम इज लोकेटेड कंचनजोंगा नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस क्लासिकल डांस है सतरिया सतरिया क्लासिकल डांस इसका ओरिजिन किस स्टेट में है एलिफेंटा केव्स हैं दे आर सिचुएटेड इन विच स्टेट कटपुतली कटपुतली पपेट्स कटपुतली इज अ पपेट्री आर्ट नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया ये कामराजार पोर्ट है कुछ मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में कुछ माइनर पोर्ट्स हैं कामराजार पोर्ट लिमिटेड है इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया विच इज अ पब्लिक कंपनी ये कामराज पोर्ट किस राज्य में स्थित है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबलरी है विस्टा विस्टा एक ओ एस भी था माइक्रोसॉफ्ट का विस्टा अभी सेंट्रल विस्टा रिवेप भी हो रहा है विस्टा का मतलब होता है बहुत खूबसूरत व्यू है अ प्लीजिंग व्यू एवेस का मतलब होता है ग्रीडी है मटेरियल गेन स्टैंड अलोन मतलब वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है ऑपरेट कर सकता है स्टैंड अलोन एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली अपेंड का मतलब होता है किसी चीज या डॉक्यूमेंट के आखिर में कुछ चीज ऐड कर देना एड अ दिटर्न डॉक्यूमेंट इम्पाउंड इम्पाउंड मतलब सीज करना टेक करना लीगल कस्टडी किसी चीज का चाहे वो व्हीकल हो गुड्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो बिकॉज ज एन इनफ्रिंजमेंट ऑफ अ लॉ सीज एंड टेक लीगल कस्टडी ऑफ समली व्हीकल और गुड्स और डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ एन इनमेंट ऑफ अ लॉ तो वो हो गया जब्तीबरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाइंड इंडिया यूएसए ये कहा ब्लिंकन ने ब्लिंकन अभी विजिट किए थे इंडिया ट न्यू इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वेंडलिजम दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेंडलिज्म की कोई जगह नहीं है हमारे सोसाइटी में मिजोरम एंड असम टू सोल्व रो अमिकेबली एक्सलेंट सन्स ऑफ दॉय एंड दिस इज चार धाम चार धाम दिस इज न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस टेकन फॉर अ राइड मोनसून टाइम विरुलेंस एंड वेरियंस आई एम एफ की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं रिकवरी आफ्टर कोविड पे अ जजमेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द राइट स्पिरिट दिस इज स्पिरउट नाइन सी ए सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर कर दिया है इसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं जैपेज एजुकेशन स्पेल्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दिस इज द बेस्ट आर्टिकल फॉर टूडे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जैपैन का जो कल्चर है एजुकेशन में वो हॉलिस्टिक कल्चर हॉलिस्टिक एजुकेशन में क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं बहुत प्रेस वर्दी पॉइंट्स हैं यहाँ पे देन दिस इज कलेक्टिविज्म ये नई बुक है स्पॉटलाइट ऑन द ट्राइंगल फर्स्ट वेव फॉलो जॉब्स पार्लियामेंट पास आज है बाघ दिवस अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस तो हम जानेंगे बिग कैट्स कौन सी है टाइगर्स की सब स्पीशीज कौन सी है तेजी से बड़ी बाघों की संख्या अभी टाइगर सेंसस का डेटा क्या बोला था इंडिया में दूसरे बिग कैट्स के क्या पैटर्न है प्रिलिम्स का सवाल एंड वन मेन्स क्वेश्चन

तो मिस्टर ब्लिंकन का अभी इंडिया पे विजिट हुआ और इन्होंने फिर से एम्फेसाइज किया कि इंडिया और यूएसए में क्या कॉमन चीजें हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाइंड करती है इंडिया को और यूएसए को सी प्राइम मिनिस्टर ने भी वेलकम किया बाइडेन कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन टाइज इंडो यूएसए टाइज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूरी है टू द इंडिया यू एस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इफ यू रिमेंबर अगर आप नवम्बर दिसंबर के नोट्स देखेंगे ना जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला था और उसके पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीक था तो रिजल्ट के कुछ ही टाइम पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे क्वाड की बात किया था फिर बेका साइन हुआ था लेमोआ साइन हुआ था स्ट्रैटेजिक काफी ज्यादा टाइज हुए थे तो हैव लुक एट नोवर नोट्स वहाँ पे क्या बात हुआ था कि इंडिया और जो यू है इनकी स्ट्रैटेजिक टाइज बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका बैकड्रॉप चाइना है चाइना का राइज़ हो रहा है तो यू को नए फ्रेंड्स की ज़रूरत है और एशिया में केवल एक ही ऐसी कंट्री है जो चाइना को चैलेंज कर सकती है और वो है इंडिया सो दैट इज़ बाई इंडिया पे वेस्टर्न वर्ल्ड्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है प्लस हमारे पास ये है इंडियन ओशन इंडियन ओशन तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूरी है टू स्ट्रेंथन द इंडिया यूएसए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दैट इज एंकर्ड इन अवर शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड तो इंडिया की एक बात और अच्छी है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इंडिया में ओपन मार्केट सॉर्ट ऑफ है सी इंडिया में कितनी सारी यूएसए की कंपनीज ऑपरेट कर रही है चाइना में ऑल टूगेदर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो दैट इज वाई जो यूएसए मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको बहुत इंटरेस्ट आता है इंडिया में इंडिया का एक और एडवांटेज है वो है हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन का मतलब मार्केट देर आर सो मेनी पीपल सो दैट इज बाय जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका और ज्यादा इंटरेस्ट आता है इंडिया की इस पॉपुलेशन को टैप करने का तो एक चीज अच्छी है कि डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है इंडिया ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है यूएसए तो दैट इज बाय क्लोज टाइज यहाँ पे ऑब्वियस है अमेरिकन एडमायर करते हैं मोस्ट अबाउट इंडिया इज द स्टेड फास्ट कमिटमेंट ऑफ इट्स पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ क्या है डेमोक्रेसी सत्रहवीं लोकसभा चल रही है हमारे यहाँ और एक बारी ऐसा नहीं हुआ कि पावर ट्रांसफर में कोई हिकअप्स हुए हो हु। या फिर जो गवर्नमेंट बनी उसने जनता के मैंडेट को डिनाय किया ऐसा कभी नहीं हुआ दिस इज़ अ बिग स्ट्रेंथ इवन यूएसए में भी अभी पावर ट्रांजिशन में कितने ज़्यादा ट्रबल हुआ था इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है दिस इज अवर स्ट्रेंथ प्लूरलिज्म है हमारे यहाँ हमारे यहाँ कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इतनी डाइवर्सिटी तो यूएसए में नहीं है ये केवल ब्लैक और वाइट पे लड़ते रहते हैं इंडिया में प्लुरलिज्म है सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हेन आर डाइवर्स पीपल तो ऑब्वियसली फ्रिक्शंस तो होंगे बट स्टिल इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड स्टैंड फ्रंट आगे पेश किया है टू ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स भी तो दैट इज वाई इंडिया इज सच अ अफुल कंट्री डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है और सेल्फ करेक्शन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है सेल्फ करेक्शन मतलब डेमोक्रेसी इज फ्लॉड डेमोक्रेसी में कुछ फ्लॉज भी है बट डेमोक्रेसी अगर गलत जाती है ना तो वो अपने आप करेक्ट भी हो जाती है लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है वो इसको करेक्ट कर लेती है दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी सो दैट इज वाई वी आर प्रो डेमोक्रेटिक वी आर प्रो डेमोक्रेसी अब इसी बात पे डेमोक्रेसी पे और इंडिया के प्लूरलिज्मे प्लूर पे इस पे अपना जो इंडिया क्लास इलेवंथ की फर्स्ट बुक है इंडिया फिजिकल उसका फर्स्ट चैप्टर देखिए यू विल फॉल इन लव विद दिस कंट्री इंडिया इतना ब्यूटीफुल है हमारा कंट्री डाइवर्स है तो डिस्क्राइब करिए एनी फोर कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी 2015 का सवाल है मेंस का डिस्क्राइब एनी फोर कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी तो इस पे आप एक मेंस का आंसर प्रिपेयर करिए कॉपी किताब दिस पेपर पे और चार पॉइंट्स भी बताइए यहाँ कमेंट में जो आपको लगता है हमारी स्ट्रेंथ है डायवर्सिटी इन इंडिया के चार कौन से कल्चरल एलिमेंट्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है और फिर आपको उनको रेड भी करना है प्रॉपर आंसर भी प्रिपेयर करिए ओके तो डू दिस थिंग 2015 का सवाल है ये ओके अब जो नेक्स्ट है वो है नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ब्यूटिफुल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है अगर आपने डीपीएसपी भी देखे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज देखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लियरली लिखा है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से प्रॉब्लम है आप प्रोटेस्ट करो बट दैट डजेंट मीन कि आप यहाँ जाके बसेस को जला रहे हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो लाखों करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेन का इंजन कितना महंगा होता है आपने उसमें आग लगा दी तो दिस इज अ क्राइम और इस क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगा नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वेंडलिज्म कॉमनर्स ऐसा करें तो फिर भी समझ में आता है कई बार जो पार्लियामेंटेरियन है ये संसद में ही उपद्रव मचाने लग जाते हैं तो उस केस में जो इनको पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिली है वो इनको सेफ नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म क्या होता है उत्पात मचाना तोड़फोड़ करना कैन नॉट बी सेट टू बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट सामने वाले को भी राइट टू लाइफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पैसे से खरीदी गई है टैक्स से खरीदी गई है तो मतलब यू आर डैमेजिंग अवर प्रॉपर्टी तो दिस इज क्राइम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इसको प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली के नाम पर टर्म नहीं करना है पार्लियामेंटेरियन के लिए इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सटेंड द इंटरप्रटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इंक्लूड क्रिमिनल एक्ट बाय प्लेसिंग दम अंडर अ व्हील ऑफ प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच है प्रोटेस्ट आप कर सकते हो बट इसके गाइज में आप व्हील ऑफ़ प्रोटेस्ट के अंदर आप क्रिमिनल एक्ट्स नहीं कर सकते दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और बहुत नेसेसरी स्टेटमेंट है वरना अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं और उसमें डैमेज होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का उसमें प्रॉब्लम होती है जो कॉमनर्स होते हैं जो कॉमनर्स डे टू डे कम्यूट कर रहे हैं या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो दिस शुड बी टेकन केयर लेजिस्लेचर्स कैन नॉट अनलिश वायलेंस वायलेंस ये प्रोवोक भी नहीं कर सकते हैं रन राइट इन पार्लियामेंट और अ लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे संसद हो या फिर विधानसभा हो एंड देन क्लेम और उसके बाद ये राइट करने के बाद ये क्लेम करें कि हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो ये बात नहीं चलेगी पार्लियामेंट्री प्रिवेलेज का मतलब कोई गेटवे नहीं है कि आप जो भी रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हो उससे यू गेट स्कॉट फ्री द पॉइंट इज यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट और जो वेंडलिज्म है रायट है भड़काऊ बातें करते हैं इन सब चीज़ों पर चेक लगाना जरूरी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फेसिंग ग्रेटर चैलेंजेस ये भी एक अच्छी न्यूज़ है मिजोरम और असम ने डिसाइड किया है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को वो अमिकेबली सॉल्व करेंगे एक्सेलेंट मीन वाइल यहाँ पर एक न्यूट्रल फोर्स रहेगी डिप्लॉयमेंट होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का नेशनल हाईवे थ्री नॉट सिक्स और बॉर्डर के आसपास यहाँ पे डिप्लॉयड होगी तो जिससे जो टेंशन है वो एस्केलेट नहीं होगा और इसका एमिकेबल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना शुड बी द प्रायोरिटी देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एक न्यूज और है लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर सन ऑफ द सॉइल यहाँ पे अ बॉय हेल्पिंग फादर प्रिपेयर देयर फील्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी पैडी क्या होता है चावल सीडलिंग्स इन कृष्णा नगरी तमिलनाडु में तो जो पैडी होता है ना उसके पौधे बनते हैं और उस पौधे को ऐसे सीडलिंग्स को ऐसे यहाँ पे रोपना पड़ता है दिस इज राइस तो ये यह यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज ये जो सीजन है ना ये मॉनसून आ गया है बारिश भी है और इसी टाइम पे जो खरीफ क्रॉप है उसकी यहाँ पे सोइंग होती है तो फादर एंड सन डूइंग दिस थिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल स्किप हाउस पैनल मीट डेटा सिक्योरिटी सीरियसली ले नहीं रहे हैं वर्क नहीं कर रहे हैं Then this is High Court pulls up Uttarakhand government for violation of standard operating procedures. ये जो word है ना SOP, ye bhi ये भी एक बड़ा यूजफुल answer है आंसर राइटिंग में कभी कोई सवाल पूछा इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछा कि आप फॉरेन डिप्लोमेट हैं आपकी पोस्टिंग से यूक्रेन में हुई है अफगानिस्तान में हुई है वहाँ पे वॉयेंस हो रहा है अब आप क्या करोगे द बेस्ट एंड सेफेस्ट आंसर इज आई विल फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गाइडलाइंस क्या बोल रही है रूल बुक क्या बोल रहा है सीनियर्स से बात करेंगे फॉलो जो होगा ये चीज़ें ना बड़ा सेफ रहता है इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिकॉज जो सरकारी काम होते हैं ना दे आर सो वेल ड्राफ्टेड हर चीज के लिए एक नियम बना हुआ है हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है आपको कुछ नहीं करना है बस वो नियम और प्रोटोकॉल पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाइन्टी परसेंट केसेज में कुछ केसेज में आपका डिस्क्रिप्शन भी होगा इनोवेशन भी होगा

स्प्रेड होने का खतरा है तो हम पहले ये बात है बद्रीनाथ टेम्पल की ये व्यू है बद्रीनाथ टेम्पल का वन ऑफ द चार धाम श्राइन है चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में अब हमने हिमालयाज भी कुछ ही दिन पहला पहले पढ़ा अभी चामोली डिजास्टर भी हुआ था तो ये जो पूरा एरिया है ना ये प्रोन है नेचुरल डिजास्टर में और ऊपर से कोविड हो गया दैट इज़ बाय स्पेशल केयर करना जरूरी है अब चार धाम क्या है चार धाम के नाम पता होने चाहिए हमें बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारका और पुरी इनको चार धाम बोला जाता है चार धाम अगर हम उत्तराखंड के लोकल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो वो है गंगोत्री उत्तरकाशी यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ ये उत्तराखंड के चार धाम है और वैसे चार धाम इंडिया के ये है अब बताओ ये कहाँ कहाँ पर है बद्रीनाथ कहाँ पर है रामेश्वरम कहाँ पर है द्वारका कहाँ पर है और पुरी कहाँ पर है और चार धाम की स्थापना किन्ों ने की थी ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं दिस इज अबाउट दिल्ली मिस्टर राकेश अस्थाना टेक्स चार्ज ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर उन्होंने प्रेज किया सिटी पुलिस को फोर्स फॉर इट्स गुड वर्क इन द पास्ट अब जो दिल्ली है ये स्पेशल स्टेट है दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है यूनियन टेरिटरी में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो दिल्ली को नहीं मिला है दैट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज पेज नंबर टू कम रेन और शाइन सिक्योरिटी पर्सनल हैं जंतर मंतर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं आई आई टी दहली एक्सप्लोर कर रही है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में फीचर्स थे कि मिडवे भी आप एग्जिट कर सकते हो प्रोग्राम्स कोर्स के बीच में उन सबको एक्सप्लोर करने का यहाँ पे ट्राई कर रही है देन ये टू डे मॉनसून सेशन है दिल्ली असेंबली का टेकन फॉर अ राइड अब सी कॉम्प्यूटर्स हैं बारिश हो रही है ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ थिंग ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है पेटिशन बोलती है कि लोअर कर दें ड्रिंकिंग एज को दिस इज मोनसून टाइम ये कहाँ की बात है ये श्रीनगर है दिस इज डल लेक डल लेक किस रिवर पे है बताइए डल लेक दिस इज श्रीनगर शिकारा होते हैं यहाँ पे बोट हाउस बोट्स देन दिस इज पेज नंबर फाइव वॉट इज कंटेंजेंट वर्कर हाईकोर्ट और ट्विटर को बोल रहे हैं कॉम्प्लाइंस जो है इंटरमीडियरी का उसको फुलफिल करें अब आता है एडिटोरियल एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल है विरूलेंस एंड वेरियंस विरुलेंस एंड वेरियंस वैक्सीनेशन में हमने देखा डिस्पैरिटी हुआ जो यूनाइटेड स्टेट्स है यूके है इनको तो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड इन्होंने कर दिया है पॉपुलेशन को तो इनके यहाँ कोविड नाइन्टीन का जो थ्रेट है वो कम हो गया मिटिगेट हो गया तो इनकी जो रिकवरी है वो बेटर हो रही है वेर इज़ इफ़ यू टेक द केस ऑफ़ इंडिया और से इंडोनेशिया एशियन कंट्रीज और इफ़ यू टेक द केस ऑफ़ अफ्रीका तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कवरेज इज स्टिल वेरी लो तो इकोनॉमिक रिकवरी इनकी क्विक नहीं हो रही है रिलायबल नहीं हो रही है सो so, उसके कारण बन रहा है वेरियंस वरुलेंस एंड वेरियंस पॉलिसी मेकर्स हैव लिटिल ऑप्शन बट टू रिन्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इनडेफिनेट टाइम तक लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं तो इसीलिए जरूरी है कि हम रैपिड वैक्सीनेशन करें वैक्सीनेशन से एटलीस्ट एक चीज तो अच्छी होगी कि हॉस्पिटलाइजेशन से आप बचोगे डेथ से आप बचोगे तो रैपिड वैक्सीनेशन करें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रेजुअली रिन्यू करें ये बोला है इंडियन दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बुक में रिपोर्ट में वेरिएंस है इन इकोनॉमिक रिकवरी कुछ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे जैसे यूएसए इंडिया और इंडोनेशिया लैगिंग बिहाइंड सेकेंड वेव जो कोविड है इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है हमें जरूरी है वैक्सीनेशन का एक्सेस भी हो और कवरेज भी अप करें रैपिडली करें रिकवरी ताकि क्विक हो दिस लाइन इज गुड विथ इन्फ्लेशन लूमिंग एज अ विसरल थ्रेट डिमांड येट टू रिगेन ट्रैक्शन एक तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो हाई है दूसरा जो डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट्स आपने बना लिए बट उसका ख़रीदारी नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल एपेटाइट भी नहीं है गवर्नमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने से बच रही है फिजिकल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं केवल एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है वैक्सीनेशन रोल आउट को वॉर फुटिंग पे करें फेलियर टू एक्सपीडाइट द कवरेज कूड कॉज द कंट्री डी एल डी और ये नहीं किया तो हम और ज्यादा पिछड़ जाएंगे हेल्थ पे प्रायोरिटी देना जरूरी है सो दिस इज वेरुलेंस एंड वेरियंस अब जो सेकेंड आर्टिकल है दैट इज अबाउट अ जजमेंट दैट मजब भी टेकन इन द राइट स्पिरिट ये फर्स्ट एडिटोरियल था सेकेंड एडिटोरियल में प्रोबिंग पैगसज है पोलिटिकल पॉइंट्स हैं पैगस में अभी अब पी एच डी नहीं करनी है हमें पता है वॉट इज पैगसेस हमें पता है सर्वेलेंस लॉ क्या होता है पैगस कहाँ की कंपनी है इसराइल की कंपनी है एटसेट्रा दैट्स ऑल ओके देन दिस इज अजमेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द राइट स्पिरिट अब ये भी जो बात है रिपीटिव आर्टिकल है नाइन्वेंथ सी ए के बारे में सी ए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटी सेवेंथ नंबर का striking down 97th amendment is इज रिमाइंडर दैट द पावर टू रेगूलेट कोऑपरेटिव मस्ट स्टे विद स्टेट्स पिछले कुछ टाइम से जो टसल चल रहा है ना वो टसल चल रहा है क्वाजी फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिट यूनियन वाले फ़ीचर्स हैं कुछ हैं फेडरल फीचर्स फेडरल फीचर्स मतलब स्टेट्स को भी कुछ पावर दी गई है शेड्यूल सेवन स्टेट लिस्ट अब बात आती है अगर सेंटर स्टेट के पावर्स में इनक्रोचमेंट करता है

तो ये अभी केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह इसमें ये देखा गया कि पिछले 71 वन ईयर्स में कुछ 104 सच केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे अल्ट्रा वायर डिक्लेयर किया है किसी पार्लियामेंट के पास लॉ से इस केस में भी यही चीज़ रिपीट हुई कि पार्लियामेंट ने जो नाइन्टी सेवन सी बनाया था उसको कोर्ट ने क्वाश कर दिया कुछ फीचर्स उसके क्वाश कर दिए नाइन्टी सेवन सी कोऑपरेटिव और 97 सेवन सी ए किस पे बेस था कोऑपरेटिव पे बेस था अब जो कोऑपरेटिव होती है ये तो स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है एंट्री 32 में लिखा हुआ है तो सेंटर स्टेट लेवल के सब्जेक्ट में अगर कोई लॉ बनाती है वैसे तो नहीं बनाना चाहिए बट अगर रिक्वायरमेंट है तो बनाती है तो उसके लिए आपको पार्ट 20 आर्टिकल 368 स्पेशल प्रोविजन से वो एक्ट पास होना चाहिए रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स और मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस टू थर्ड मेजोरिटी पार्लियामेंट में सीट्स है तो 500 का आधा कर लो कम से कम आधे लोगों क, ने उसको यस बोला है तभी वो पास होगा नो no मैटर उस टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट प्लस जितने प्रेजेंट है उसका भी टू थर्ड लोगों ने यस बोला है तब वो बिल पास होगा तो देट इज वाई इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी में दो चीज होती है पहली चीज कि टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की वो पास होना चाहिए कि केवल सौ लोग प्रेजेंट थे सौ में से दो लोगों ने यस बोल दिया तो बिल पास हो जाएगा नहीं आपको कम से कम ढाई सौ लोग चाहिए पे हाफ ऑफ द पार्लियामेंट स्ट्रेंथ प्लस उसमें से भी दो तिहाई लोगों ने यस बोला तब पास होगा वो बिल तो ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स अट्ठाईस स्टेट है कम से कम चौदह स्टेट्स ने ओके बोला तब जाके नाइनटी सेवन पास होना था बट यहाँ पे रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट तो हुआ ही नहीं तो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो ये अल्ट्रा वायर हो गया तो दैट इज वाई नाइनटी सेवन सी एन कोऑपरेटिव को जुडिशरी ने अल्ट्रा वायर कर दिया इसमें क्या था नाइनटी सेवन सी ए में बहुत सारे चेंजेस थे लीगल रिजीम दिया था कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्या होता है सहकारिक जैसे कि अमूल डेरी अमेंडमेंट एड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल नाइनटीन वन सी में भी कोऑपरेटिव को एड किया था एक पार्ट नाइन बी भी लाया था तो मतलब ये बड़ा सिग्निफिकेंट था नाइन्टी सीए कोऑपरेटिव से रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किए गए तो हम उसमें नहीं जा रहे कि उसका पर्पज क्या था कोर्ट ये बोल रही है इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ कि आपने रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट नहीं लिया तो ये अल्ट्रा वायर हो जाएगा बिकॉज इससे पहले जब हमने आर्टिकल फोर्टी हमने सोचा था कि ग्राउंड डेमोक्रेसी को चेंज करते हैं ग्रास रूट लेवल पे तो हम सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट लाए थे तब रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट हुआ था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी में तो कोऑपरेटिव में क्यों नहीं हुआ ये सवाल है कोऑपरेटिव जो होते हैं ना ये रेगुलेटेड बाय स्टेट होते हैं अब होमोजेनिटी इन दिस एरिया वुड ओनली रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ राउंड होल्स इन विच सी ग्रास रूट में फिर वही बात आ जाती है डाइवर्सिटी की जम्मू कश्मीर बहुत अलग राज्य है कंपैरिजन टू तमिलनाडु गुजरात बहुत अलग राज्य है कंपैरिजन टू अरुणाचल प्रदेश तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वन साइज फिट्स ऑल अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्क्वायर पैग्स को जबरदस्ती फिट कर रहे हैं राउंड होल्स में और उससे एंट्रोपी आएगी इट इज़ बेस्ट दैट द गवर्नमेंट टेक्स दिस जजमेंट इन द राइट स्पिरिट अब सी अभी जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी है चौदह स्टेट्स का अप्रूवल कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव की जो थीम्स है उस पर फोकस करना चाहिए कि कोऑपरेटिव में जो स्टेट्स हैं ग्रास रूट है इनका से ज्यादा हो बजाय सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में ये यह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हैं अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है देन दिस इज एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है और सबको पढ़ना है इसे इट बिगिन फ्रॉम स्क्रैच विद एलिमेंट्री स्कूल प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ट्राइंग टू क्रिएट माइंडफुल एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजेंसी हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस्ड पर्सनालिटी है या नहीं है इट रियली डजेंट मैटर आपके सौ में से सौ आ रहे हैं किसी एग्जाम में इट रियली डजेंट मैटर कि आप आई बन गए और टॉप मार दिया है इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन यू आर नॉट अ गुड पर्सन सो द पॉइंट इज हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ज़रूरी है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप करना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में दो टाइप से कर सकते हैं और इसमें दो टाइप के नतीजे मिलते हैं एक तो प्राइवेट रिटर्न मिलता है मतलब आप अपने पढ़ाई पे रिटर्न्स डाल रहे हो तो इससे एज एन इंडिविजुअल आपको फ़ायदा होगा सोशल रिटर्न क्या होगा कि अगर सोसाइटी में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं जिम्मेदार हैं अवेयर हैं जो मतलब दकियानुसी बातें नहीं है वो प्रोग्रेसिव थाट्स है तो इससे क्या होगा जो सोसाइटल अपलिफ्टमेंट है ना जो हमारे प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वो भी ठीक होगी तो इंडिविजुअली भी बेनिफिट होगा और एज अ सोसाइटी भी हमें बेनिफिट होगा जब एजुकेटेड पीपल फॉलो रूल्स अब देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है एजुकेशन मतलब कोई एग्जाम पास करना टॉप करना ये नहीं होता है एजुकेशन मतलब होता है जब एज ए इंडिविजुअल आप रूल्स फॉलो कर रहे हो जैसे यूजिंग वॉशरूम में रूल है वहां पे क्यू लगी हुई है यू आर फॉलोइंग दैट क्यू वॉशिंग हैंड्स प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी सी वैंडलिज्म नहीं करना है कलेक्टिव रिटर्न इससे मिलते हैं सोसाइटी को ह्यूज वैल्यू मिलती है और ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जापान में जापान ऑलरेडी ज्योग्राफिकली बड़ा चैलेंज है या जितनी भी डिजास्टर है ना सब डिजास्टर जापान में होती है इवन न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो गई बट स्टिल जापान का रिजाइलियंस देखिए कि वो वापस बाउंस बैक करता है क्लीनर हेल्दी हेल्दी एंड डिसिप्लिनड सोसाइटी है बिकॉज जापान में डिसिप्लिन है तो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स जो है वो सजेस्ट करते हैं प्राइवेट रिटर्न राइज होता है विद विद्स लेवल ऑफ एजुकेशन आपने अपनी पढ़ाई की आपको इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिल जाएगा बट सोशल रिटर्न पीक करता है एलिमेंट्री लेवल पे और एलिमेंट्री लेवल्स क्या है ये ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये तो इसीलिए इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है वरना कई बार हम देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा है बहुत हाई पोस्ट पे है बट जो हरकतें होती है देट आर नॉट गुड वो एजुकेटेड हरकतें नहीं है तो इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है अब ये एक टर्म दिया है यहाँ पे दिस इज ची टोकू ताई जैपनीज वर्ड है इसका मतलब होता है इस पहले शब्द का मतलब है नो no, जानना ले एन एम्फेसिस एबिलिटीज नो योर सेल्फ नो है अकेडमिक वो लाए. No, knowing, है, टोकू. टोकू का मतलब होता है वर्च्यू रेफर्स टू माइंडफुलनेस होनी चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कोऑपरेटिव एबिलिटीज होनी चाहिए एज अ सोसाइटी तो पहला वर्ड क्या था ची दूसरा वर्ड है टोको तीसरा वर्ड है टाई टाई का मतलब होता है बॉडी इट रिफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो ऑब्वियसली आपके थॉट्स भी हेल्दी आएंगे अदरवाइज यू विल नॉट फील गुड फिर वो आपके बिहेवियर पर भी रिफ्लेक्ट करेगा सो ताई ची टोकू एंड ताई ये तीन वर्ड्स है देन है जस्ट फॉर लाइफ जस्ट फॉर लाइफ मतलब हॉलिस्टिक लाइफ लाइफ तो एक ही बार मिलती है इसको डब्बे में बंद होके तो जीना नहीं है हॉलिस्टिक लाइफ होनी चाहिए यू शुड हैलिस्टिक लाइफ जस्ट फॉर लाइफ फिर एक वर्ड है दिस कांसाई इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी अब सी कई बार आप कुछ भी बोल देते हो यू डोंट इवन टेक केयर कि सामने वाले को वो कैसे फील होगा यू आर इनसेंसिटिव तो इनसेंसिटिव नहीं होना है वी शुड बी सेंसिटिव इनफ डेवलपिंग अ नॉलेजेबल माइंड विच कैन अप्रिशिएट ब्यूटी एंड नेचर होल्ड अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड रेस्पेक्ट लाइफ एंड लेबर वंडरफुल लाइन ये ब्यूटीफुल लाइन को भी हमें याद रखना है वी कैन ट्रेन अवर चिल्ड्रन इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इन दियर लोकल कॉम्युनिटी बचपन से ही उनको ये सिखाएं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे कोई हेल्थ हेलमेंट है पॉल्यूशन है वेस्ट डिस्पोजल है एक छोटा बच्चा अपनी गली की प्रॉब्लम जो है डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजबल पॉल्यूशन या फिर कुछ ऐसा इश्यू है उसको सॉल्व कर रहा है ना तो आगे चल के वो कंट्री का भी बड़े लेवल पर काम कर पाएगा दीज शुड भीट इनकलकेट एंड एनकरेज एट दिस अर्ली लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कोच करें उन्हें सॉल्यूशन फाइंड करो प्रॉब्लम सबको पता है देर इज अ प्रॉब्लम बट आप सॉल्यूशन है आपके पास हमें पता है हमारी प्रॉब्लम है ओलंपिक्स में हम जीत नहीं पा रहे हैं ये नहीं इट इज नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म इट इज अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन द गेन्स टू बोथ साइड्स कैन बी इमेंस और इससे फायदा होगा थर्ड चीज़ है ऑलवेज रिफ्लेक्ट कभी हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमने जो एक्टिविटी किया स्टेटमेंट किया हमारा कंडक्ट है बोलने है, whatever our conduct karma is do you reflect always reflect introspection is also very very necessary ek aur jo favorite word hai wo hai kaizen kaizen kya hota hai ki continuous improvement hai jise aap answer writing mein karte ho na aap mein se jo roz likh rahe hai na unka answer 2 mahine pehle ka dekhiye aur abhi ka dekhiye जमीन आसमान का अंतर नजर आता है क्यों Because of this kaizen. Kaizen क्या है Japanese philosophy of continuous improvement. कल आज से बेहतर होना चाहिए दैट्स ऑल कलेक्टिविज्म होना चाहिए वन विंस विंस ओनली द ग्रुप हम अकेले तो होते नहीं है वन विंस विंस द ग्रुप जनरेट इक्विटेबल एंड यूनाइटेड सोसाइटी तो यूनिटी पे भी हमें ध्यान रखना है बिकॉज यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल और इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी डाइवर्स है उसमें यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है तो दिस इज द थिंग एजुकेशन स्पेल्स डेवलपमेंट इस पर हमें फोकस करना है दिस इज द नेक्स्ट वन नो नीड फॉर अ ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी यहां अभी रेगुलर टॉक है कि जो टी एफ आर टू पॉइंट वन होना चाहिए ग्रेजुअली हम इस पर अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन होता है ना तो यूजुअली फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते नहीं है स्पॉटलाइट ऑन द ट्रायंगल यह बात है ये बुक है एक्चुअली ओपन एम्ब्रेस इंडिया यूएस टाइज इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड वर्गस के जॉर्ज ने ये बुक लिखी है तो द पॉइंट इज कि यूएसए के साथ कन्वर्जेंस है जैसे अभी बात किया डेमोक्रेसी कॉमन चीजें ज्यादा है ऑक्सीजन फॉर फिजिकल फेडरलिज्म यहाँ पे बात है फिजिकल फेडरलिज्म मतलब फाइनेंशियली भी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट बनाए स्टेट्स अदरवाइज आर टू मच डिपेंडेंट ऑन दिस सेंटर और उससे फिर उनके वर्क प्रोग्रेस स्टेट लेवल पे इम्पैक्ट होती है फर्स्ट वेव ने सॉलो किए जॉब ऑल दो पी का रिपोर्ट कल हमने देखा था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कुछ ऐसा डेटा भी है कि इतने ज्यादा जॉब लॉसेस नहीं हुए ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं बट द पॉइंट इज जॉब लॉसेस हुए हैं सेलर right जो है इनकी तनख्वाह कम हो गई कैजुअल लेबर है इनका कम कम काम कम हो गया जो सेल्फ एम्प्लॉयड है इवन दे आर आल्सो फीलिंग

अपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी सेशन नहीं होगा बिना प्रोटेस्ट बिना डिस्कशन बिना किसी बात के बिल पास हो जाएगा इन सोलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल बड़ा इंपॉर्टेंट बिल था पास हो गया सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो चाहिए थी वो भी पास हो गई दिस इज नॉट एट ऑल गुड पार्लियामेंट का जो सेशन है अकाउंटेबिलिटी है वो होना चाहिए और इसी बात पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी बड़ा सही है कि पार्लियामेंटेरियन ये नहीं समझे कि वो पार्लियामेंटेरियन है तो वो वेंडलिज्म करेंगे नो देन पेगसस है फोर्टी फोर परसेंट सेज आई सी एम आर सैरोस कोविड नाइन्टीन एक्सटेंड ऑगस्ट थर्टीन इसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट जॉब फेयर्स की ड्रॉप इन ऑफर्स फिर वैक्सीनेशन की स्टडी कर रहे हैं टेररिज्म इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू ग्लोबल पीस दिस इज डिफेंस मिनिस्टर देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट पेज द काजीवरम लेगेसी ये जो सारी होती है ना सारी भी जो क्लोथ्स एंड ड्रेसेस होता है ये भी फेवरेट टॉपिक है कई बार सवाल आया है कांजीवरम साड़ी कहाँ की है इस टाइप से बिकॉज इंडिया अगेन डाइवर्सिटी हर जगह की एक स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक होता है क्लोथ होता है दिस इज कांजीवरम ये राजस्थानी पपेट्स है सी जो अभी हमने देखा था ना कठपुतलिया कठपुतलिया ये कठपुतलियों का भी बहुत सिग्निफिकेंस है एंटरटेनमेंट तो है साथ ही साथ सोसाइटल मैसेजेस भी जाते हैं जैसे राजस्थान में एक ग्रुप है वो पपेट शो के थ्रू यहाँ पे चाइल्ड ब्राइड और ऐसी जो बुरी बातें हैं उसके अगेंस्ट लोगों को जागरूकता फैलाता है तो राजस्थानी पपेट्स लर्न मोजार्ट ये जो इंडिजीनस लोकल हमारे हैं ना टॉयज हैं कल्चर हैं ड्रामा है इनमें भी बड़ा स्ट्रेंथ है डीप हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको रिमोट एरियाज में ले जाने के लिए और मैसेज क्विकली डिलीवर करने के लिए क्लब्ड टुगेदर फॉर कंफर्ट दिस इज पाइवेटल फोर्स नो सी दिस इज सच एन आयरोनिक पीस फोटो है ये यहाँ ये पर्सन है ये स्ट्रांगली रिलीजियस है और जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता है ये उस पर दिस एट्रोसिटीज करते हैं ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्गली एंटी रिलीजन है जो रिलीजन फॉलो करता है उसके अगेंस्ट ये एट्रोसिटीज करते हैं बट दे आर नाउ कॉलिंग ईच अदर फ्रेंड वाई बिकॉज पैसा चाइनीज फॉरन मिनिस्टर यी राइट विद द तालिबान पॉलिटिकल चीफ दिस इन तियानजिन सो दैट इज वाई दिस टेल्स की यहाँ पे कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी है ये बोलते कुछ है करते कुछ है दिस इज द पॉइंट प्राइवेटल फोर्स

पासिस अवे देन ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स है सिंधु इज प्लेंग रियली गुड टचवुड जीतना चाहिए मेडल हमें देन दिस इज बॉक्सिंग ये है हॉकी हॉकी अच्छा नहीं खेल रहे यहाँ भी एक मेडिकल मेडल आ सकता है हमारा प्रिसीजन शूटिंग दीपिका कुमारी देन ये स्पोर्ट्स है दिस इज स्विमिंग बटरफ्लाई ये सारे स्पोर्ट्स देखिए आप स्विमिंग जिमनेस्ट स्विमिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होती है बटरफ्लाई क्या होता है लाइक दैट जो को विक शायद फिर जीत जाएगा लेटेस्ट दिस इज द हिंदू अब ये इंडियन एक्सप्रेस है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस है उनतीस जुलाई दो हजार इक्कीस बाघों का संरक्षण करना है संतुलित वन्य जीवन है बिकॉज टाइगर इज ए की स्टोन स्पीशीज जंगल में एक टाइगर होता है ना तो पूरा जंगल प्रोटेक्ट हो जाता है कंजर्व हो जाता है और इंडिया में टाइगर बहुत ज्यादा है कार्बेट नैशनल पार्क है ये कारबेट केदारनाथ में है दिस इज देवभूमि उत्तराखंड का एड है इसको भी आगे हिंदी में और पढ़ते हैं उट सी ये टॉक्स हुए मिस्टर जयशंकर स्पेल्स आउट रेड लाइन्स ब्लिंकन ने यहाँ पे तालिबान में देखते हैं क्या होता है इंडिया ऑन पाक दैन दिस इज चाइना होस्ट तालिबान मिजोरम दिस इज वन अनादर इम्पोर्टेंट टॉपिक वो साका का हमने देखा था इमोशनल स्ट्रेंथ जो प्लेयर्स होते हैं ना इन पे काफ़ी ज्यादा प्रेशर होता है सी हारना कोई नहीं चाहता अगर कोई जा रहा है ना कंट्री का फ्लैग लेके जा रहा है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है वो मेडल जीते बट हार जीत तो स्पोर्ट्स में लगी रहती है अब इसमें फैंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कैरिड अवे हो जाते हैं कई बार वो अब्यूज़ करने लग जाते हैं इन प्लेयर्स को इट इज़ नॉट राइट इससे उन पर अननेसेसरी मेंटल प्रेशर भी आता है साका ने इस बात को हाईलाइट किया था अभी बाइल्स है ये जिमनास्ट है यूएसए की शी इज रियली गुड बट अगेन मेंटल हेल्थ का यहाँ पे टॉपिक इन्होंने फिर से रेज किया है जो समझना चाहिए देन प्रोटेक्टिव लेयर दिस इज मिस्टर राकेश अस्थाना नया ची, नए चीफ हैं दिल्ली के अरावली फॉरेस्ट एरिया ये राफेल का एक और सेट आ गया हमारे पास ऐसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है जब नया प्लेन आता है ना या फिर रिटायर हो रहा है तो दिस इज वाटर कैनन सैल्यूट ये कहां पर है हसीमारा एयरबेस है वेस्ट बंगाल में तो एक तो ऊपर अंबाला था और ये इधर हसीमारा एयरबेस है वेस्ट बंगाल में राफेल के लिए दिस इज जयपुर फोर ट्राइबल डिटीज डेमोक्रेसी टॉक इंडिया एंड यूएसए एस सी अपोजिशन एंड पोजिशन अर्थमेटिक इज इन अलाय नॉइज से हेल्प तो होता है बट ये कोई काउंटर नहीं है गवर्नमेंट का वेन पार्लियामेंट इज इन सेशन इज इन ऑन फ्लोर हाउस ऑपोजिशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए हाउस में वहाँ पर स्पीचेस दे डिबेट्स दे लॉजिकल बात करें फैक्ट दे और गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड ना कि इस तरीके से नॉइज करें कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉमन असम एंड मिजोरम साइंस ऑफ दिस सूडो साइंस सूडो साइंस इज ऑल्सो अ थ्रेट मेकिंग एनी पी वर्क हाउसिंग बूस्ट ये फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं अभी यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन है देन कोविशील्ड में एक और स्टडी आई है कोविशील्ड सारी वैक्सीनेशन अच्छी है गो गेट वैक्सीनेशन मेंटल वेल्बिंग ओवर स्टॉइसिजम एंड ग्लोरी और ये अननेसेसरी ग्लोरीफाई भी नहीं करनी चाहिए चीज़ों को जैसे आई कीप ऑन सेइंग हम एग्जाम टॉपर्स को ग्लोरीफाई करते हैं इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं ना कि इनकी मेंटल वेल्बिंग well भी डिस्टर्ब हो जाती है टॉपर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता अगर अननेसेसरी आप उनको ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हो इनफैक्ट दे फील अनकंफर्टेबल अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है तो सेम इज विद दिस स्पोर्ट्स स्टॉइसिज्म ग्लोरी ये सब चीजें वी शुड अवॉइड मेचोरिटी होना जरूरी है देन दिस इज चाइना दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड फनी पिक देन दिस इज अन ईजी काम इन ट्यूनिशिया म्यांमार जनता और ये डोमेस्टिक फ्लायर्स फिर से बढ़ रहे हैं गोल्ड इन टोक्यो ग्लिटर इन फिजी ओलंपिक्स सिंधु इज प्लेइंग रियली गुड लेट होप हमको मेडल मिले यहाँ पे देन नीड टू इन टू गेम्स हॉकी में बेटर करने की जरूरत है अब हम बात करते हैं टाइगर पे सी बिग कैट्स हैं एक तो होती है कैट फैमिली और जो डॉग्स होते हैं उसमें वुल्फ और डॉग्स ये सारे होते हैं ये कैट फैमिली है ये टाइगर है टाइगर इज द बिगेस्ट कैट टाइगर सबसे बड़ा होता है वेट इसका ज्यादा है साइज बड़ा है तो फर्स्ट इज टाइगर सेकेंड पे आता है लायन थर्ड पे आता है जगुआर जगुआर कहाँ मिलता है साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका यहां मिलता है फिर लेपर्ड लेपर्ड हर जगह मिलता है अफ्रीका में भी है एशिया में भी है दिस इज लेपर्ड फिर ये प्यूमा है ये भी अमेरिका में मिलता है प्यूमा चीता भी पहले इंडिया में मिलता था रीइंट्रोडक्शन भी होने की बात है बट आज की डेट में चीता केवल अफ्रीका में है ये स्नो लेपर्ड है इंडिया में भी माउंटेन्स में मिलता है देन दिस इज लिंक्स ये स्नो क्लाउडेड लेपर्ड और दिस इज मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड तो ये जो है ना टाइगर लायन जगुआ लेपर्ड प्यूमा ये सब कहलाते हैं बिग कैट्स सबसे बड़ी बिग कैट है टाइगर और इंडिया के साथ एडवांटेज क्या है हमारे यहाँ ऑलमोस्ट एवरी बिग कैट है टाइगर भी है लायन भी है लेपर्ड भी है चीता भी अभी आ जाएगा सो वी आर वेरी लकी वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज कैट्स अब टाइगर की बात करें तो टाइगर की भी सब स्पीशीज होती है जैसे साइबेरियन टाइगर है साइबेरियन टाइगर इज द बिगेस्ट टाइगर साइबेरिया मतलब ऊपर चाइना के नॉर्थ में रशिया में यहाँ मिलता है साइबेरियन टाइगर ये ह्यूज होता है ह्यूज इन साइज फिर ये कैस्पियन टाइगर है अब नहीं मिलता ये साउथ चाइना टाइगर है ये थोड़ा स्मॉल है सिमिलरली एक जावन टाइगर होता था बाला बा इसका दिस इज इस बाली का टाइगर होता था या इंडोनेशिया इधर आइलैंड में ये भी अब एक्सटिंक्ट हो गए दे आर नॉट फाउंड इन वाइल्ड तो आज की डेट में साइबेरियन टाइगर है साउथ चाइना टाइगर है और ये इंडिया का है बंगाल टाइगर बंगाल टाइगर की स्ट्रेंथ होती है ये बड़ा रोबस्ट होता है और बहुत एग्रेसिव होता है दिस बंगाल टाइगर इंडो चाइना है मलय है सुमात्रा का टाइगर है तो टाइगर है और ये टाइगर की सब स्पीशीज है सब स्पीशीज अब टाइगर का स्प्रेड हमने देख लिया जो टाइगर्स है ना सबसे ज्यादा है वो इंडिया में है सत्तर प्रतिशत बाघ जो है उनका घर है इंडिया इंडिया में अठारह राज्य ये आई थिंक फिफ्टी टू है लुक इसको क्रॉस चेक करिए फिफ्टी टू टाइगर रिजर्व है फिफ्टी वन और फिफ्टी टू है क्रॉस चेक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था 2022 तक हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है बिकॉज एक टाइम हो गया था जिसमें बहुत ज्यादा पोचिंग हुई और टाइगर्स के नंबर ड्विंडल हुए फिर अभी जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि हमारे यहाँ कुछ टाइगर्स बढ़ गए हैं तो विच इज अ गुड थिंग कंजर्वेशन काफी अच्छा हुआ है आप बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स है टाइगर टाइगर स्टेट जिसे बोलते हैं अब टाइगर्स की आपने देखा ये स्ट्राइप्स है स्ट्राइप्स तो देखिए ऐसी चीजें अगर आपको विजुअलाइज होती है ना तो आप इससे सवाल भी कर सकते हो प्रिलिम्स का जैसे एम स्ट्राइप्स आया अब इसके शब्द में ही स्ट्राइप लिखा हुआ है स्ट्राइप्स किसकी होती है टाइगर की होती है जो लेपर्ड और जगुआर इन है इनमें रोसेटेस होते हैं रोसेटा होता है ये रोसेटा तो ऐसे पैचेस होते हैं बट स्ट्राइप्स होती है टाइगर में तो ये क्या होगा दिस अबाउट समथिंग अबाउट टाइगर होना चाहिए नेशनल हाईवे नहीं होगा नेविगेशन नहीं होगा वाइल्ड फोना नहीं होगा दिस शुड बी अबाउट टाइगर तो दिस इज अ वे यू हैव टू लाइक फिगर आउट कि जैसे शब्दों के मीनिंग में जाके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो अब जैसे हमने देखा ना जो स्ट्राइप्स हैं तो देखिए ये चीता है चीता के ऐसे पैचेज होते हैं ये स्नो लेपर्ड है ये क्लाउडेड लैपर्ड है ये लेपर्ड है ये जगुआर है ये कूगर है ये लाइन है और देखिए स्ट्राइप्स केवल टाइगर की है दीज आर स्ट्राइप्स तो दीज आर बिग कैट्स अक्सर कन्फ्यूजन होता है चीता जगुआर और लैपर्ड में तो चीता ये है कि ये थोड़ा फास्टेस्ट एनिमल है तो टॉल और स्लेंडर है ये जगुआर जो होता है ये बड़ा होता है इसका बाइट फोर्स भी हाईएस्ट है जगुआर मिलता है पर जगुआर मिलता है साउथ अमेरिका में लेपर्ड भी स्ट्रांग होता है और बहुत अजाइल होता है ये ट्रीज पे भी ऐसे बड़े क्विकली क्लाइम कर लेता है तो दिस इज लेपर्ड तो चीता जगुआ लेपर्ड ये सारी बिग कैट्स हमें पता होनी चाहिए टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड तो आज दूसरा सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया हाईलाइट द एफर्ट्स मेड फॉर दंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन पर्टिकुलर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो सवाल है ना ये लगभग हर साल इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ पूछा गया है प्रलिम्स में टाइगर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स ओके सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अब ये दूसरा सी सेट के सोल्यूशन है बड़ा आसान था एक्स और हंड्रेड माइनस एक्स दो नंबर ले लेते हैं अपन फिर दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया दिस इज इक्वल टू जीरो तो एक्स पचपन होगा या पैतालीस होगा फिफ्टी फाइव होगा या फोर्टी फाइव होगा और दोनों में से कोई भी केस हो तो डिफरेंस कितना होगा टेन होगा तो यही पूछा था कि एलसीएम दो नंबर का फोर नाइनटी फाइव है एच सी एफ फाइव है तो दोनों का प्रोडक्ट से दोनों का नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम और सम ऑफ द नंबर इज हंड्रेड देयर डिफरेंस कितना होगा तो डिफरेंस होगा टेन इनका सम है हंड्रेड डिफरेंस इज टेन सेकेंड इज ऑल्सो इजी नंबर ए एंड बी है समेशन दिया है फिफ्टी फाइव प्रोडक्ट दिया हुआ है दिस तो अब इनका रेसिप्रोकल करके आप एड करो तो A plus b ए प्लस बी में ये दालो, A b में ये वैल्यू वैल्यू में है है तो है मतलब एक नंबर और दूसरा खुद वही नंबर हो गया तो एच सी एफ ऑफ को प्राइम इज वन तो एल सी एम प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक सो दोनों का प्रोडक्ट एक सौ सत्रह होगा

वट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड अगेन एल सी एम निकालना है, कितने कैंस यहाँ पे जरूरत होंगे आंसर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ सात मीटर तीन मीटर पचासी सेंटीमीटर बारह मीटर पचानवे सेंटीमीटर इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए जो भी नंबर आएगा उसका एल सी एम निकाल लीजिए रूम छः मीटर है चौबीस सेंटीमीटर इन लेंथ है चार मीटर बत्तीस सेंटीमीटर इन वेथ है अगेन कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर देन लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या चाहिए होंगे जो कवर करे एंटायर फ्लोर ऑफ द रूम एलसीएम फाइंड एम करिए एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है ओके सो दिस इज दिस इज सी सेट और ये बात है सोल्यूशन टाइगर्स के बारे में आज जानिए ये नई बुक्स है इस आर्टिकल को दोबारा पढ़िएगा जापानीज एजुकेशन स्पेल्स जजमेंट इन राइट स्पिरिट और ये बात है कल्चरल एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया So this is uh, 29th of July 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe